बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब बात यह है कि उनकी सीटें कितनी आएंगी और उनके वोट कितने आएंगे, और इसी तरीके से जो टिकटों की तकसीम है उसमें मुस्लिम लीग नून ने अगर से ज्यादा एहतियात का बना रखी है, लेकिन उनके अपने जो उम्मीदवार हैं, अपनी पार्टी के लोग हैं, पुराने वर्कर हैं, उनमें से कई रिवोल्ट कर चुके हैं, इन फाइटिंग शुरू होगी। 60 से 70 लोग पंजाब में मुख्तलिफ नशस्तों पर पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ऐसा मामला भी हुआ कि मतलब आप एक चुनौर की सीट थी, उनके करसर साहब एक जापान वाले हैं, और उन्होंने बड़े ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के बड़े कर्ता धर्ता थे और बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट भी किया उन्होंने फाइनेंशियल, और कहा जाता कि मुस्लिम लीग के सेक्रेटेरिएट में भी उन्होंने डोनेट किया बनाने, लेकिन उनको टिकट एन मौके पे नहीं दिया गया, ठीक है, और एक दूसरे बड़े बिजनेसमैन को दे दिया गया। अब वो भी इलेक्ट लड़ रहे हैं और उनका नाम भी कैसर, उनका नाम भी कैसर। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखिए मैं कायदे मोहतरम के हुक्म पर तो कोई फैसले पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे साहब हार जाएंगे। अच्छा, ये फर्ज कर लिया, और मैं नहीं चाहता, वो अच्छा उम्मीदवार नहीं है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मुस्लिम लीग की सीट हारी जाए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं जीत कर ये सीट कायद के हुजूर पेश कर दूंगा। तो मैंने कहा जनाब अगर ऐसा हुआ कि अगर आप उनको भी लेके बैठ के फिर क्या होगा, और अभी आप देखिए जो हमारे इनामुल्ला नियाजी साहब हैं, उनका एक आज मैसेज चल रहा होगा, उसमें कहा जो हमारी अपनी खिदमत करवाई थी कि मैं उससे सीनियर हूँ दूसरे उम्मीदवार से, और बड़ी बड़ी खिदमत है पीटीआई के लिए, और मैं बड़ी एक सीनियर पोजीशन छोड़ के आया हूँ, और मैं पार्टी के नजरिए के तहफ्फुज़ के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अब पार्टी के टिकट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये मैसेज भी दे रहे हैं, और पार्टी टिकट से मुकाबला भी है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है कई जगह दरपेश है, पीटीआई को भी और मुस्लिम लीग नून को भी, उसके खासे उम्मीदवार जो है वायलेट करते हुए कंटेस्ट कर रहे हैं, इन फाइटिंग का शिकार है दोनों, इन फाइटिंग खुद पीपल्स पार्टी का भी हाल ये।